Hello everyone. So till now we have learnt about what is rock climbing, how to cross a river. Now we will continue this story which is being said by Sangeeta, who is sharing her views about what all she faced while she went for the mountaineering camp. So next is the special guest. After dinner we met a special guest, Bichendri Pal. She had just been selected as a part of team to climb Mount Everest. She had come to seek blessings Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bichendri Pal also joined us in a famous dance, famous song, that is a Pahari song. So Bichendri Pal jo thi us night ki unki special guest thi jisne unko join kiya, and wo wahan pe aayi thi to take the blessings, to apna aashirwad lene aayi thi. Kiske? Unka brigadier jo Gyan Singh the, unka aashirwad lene aayi thi because she was about to गो फॉर क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट. और उसने भी उनके गाने में उनका साथ दिया. दिस इज़ अ पहाड़ी सॉन्ग बेटा, अगर आप लोग जानते हैं देन यू कैन सिंग इट अलॉन्ग. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. तो जिस टाइम वो उनके कैंप में ज्वाइन हुई उस टाइम पर उनको किसी को नहीं पता था कि ये वो लड़की बन जाएगी कि हमारे देश से, इंडिया से फर्स्ट लेडी वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी एंड शी क्रिएटेड अ हिस्ट्री. कैंप इन स्नो. वी वर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 2,134 meters. वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर. एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट. वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक शीट फॉर टेंट एंड फॉर द ग्राउंड. द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वॉर्म. ठीक है. सो उसके बाद क्या नेक्स्ट चीज़ वो बता रही है हमारे को इस कैंप के बारे में, दैट इज़ द कैंप इन अ स्नो. कि स्नो वाला जो एरिया है उधर हम किस तरह से कैंपिंग करते हैं, कैसे हमारे टेंट लगते हैं, क्या चीज़ें हमें वहाँ पे यूज़ करनी होती है. तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो बहुत हाइट पे था, दैट वॉज 2,134 meters की हाइट पे था. एंड उसके बाद वहाँ पे उन्होंने क्या कोशिश की कि रात होगी है, दे ऑल ट्राई टू मेक देयर टेंट्स. और किसका बना रहे थे वो, प्लास्टिक शीट्स का बना रहे थे. और डबल लेयर प्लास्टिक शीट यूज़ करी जा रही थी बिकॉज जो डबल लेयर है वो उनकी हेल्प करेगा कि एयर जो है उसके उनके बिटवीन रहेगी और वो एयर जो है उनको गर्म रखेगी. वी पुट इन द पैग्स एंड बिगैन टू पुट अप द टेंट. पैग्स होते हैं बेटा वो साइड वाले स्टैंड जिससे वो टेंट को खड़ा करते हैं. ठीक है. अगर आपने कोई भी टेंट देखा हो, जैसे आप सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में जब आप टेंट की फ़ोटो बनाते हैं तो आप टेंट को स्टैंड करने के लिए जो साइड पे उसकी खूंटियाँ सी लगाते हो, स्टैंड लगाते हो जिस पे वो धागा बांधता है, दैट इज़ कॉल्ड पैग्स. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. After quite a lot pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain out around the tent. तो जब वो टेंट को एक तरफ से लगा रहे थे, दूसरी तरफ इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वो उनका टेंट उड़ जा रहा था. फिर उन्होंने बताया है कि आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ, बहुत उनके मेहनत करनी पड़ी, दैट इज़ पुलिंग एंड टगिंग, कि कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है ताकि वो टेंट लगे. एंड फाइनली दे वर एबल टू पुट द टेंट देयर. उसके बाद उन्होंने सेकेंड चीज़ क्या की, टेंट के अराउंड ऑफ उन्होंने एक नाली सी बनाई. ड्रेन का मतलब है एक नाली सी बनाई. ये नाली क्यों बनाई थी बेटा? नाली इसलिए बनाई जाती कि उसके अराउंड ऑफ अगर पानी है, इंसेक्ट्स हैं, वो उस टेंट के अंदर ना आए. We were feeling hungry. We collected some firewood and stones to make chula and cook some food. After the meal, we collected all the waste in the bag, cleaned the campsite. Soon we got into our sleeping bags. It was not sure I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers which helped in keeping us warm. We all were tired, so very soon we fell asleep. तो उसके बाद उन्होंने जब टेंट लगा लिया, the next work was to make the food. उसके बाद सभी को भूख लगी थी तो उन्होंने इधर उधर से मटीरियल कलेक्ट करके वहाँ पर चूल्हा बना लगाया और उस पर खाना बना करके खाना खाया. एंड देन दे वेंट फॉर स्लीप इन देयर स्लीपिंग बैग. तो ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था. तो संगीता क्या बता रही है कि मुझे ये लग रहा था कि क्या मैं बैग में फिट आऊँगी, क्या मुझे वहाँ पर नींद आ जाएगी, क्या मुझे ठंड तो नहीं लगेगी. बट क्योंकि वो स्लीपिंग बैग जो थे उसमें फ़र था, तो और वो पूरे दिन में उन्होंने ट्रैकिंग की थी, वो थके भी हुए थे, इसलिए वो उसमें जल्दी से सोए और उनको नींद भी आ गई. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ स्लीपिंग बैग ओवर हेयर. नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग. वाइट सॉफ्ट फ्लर्टी स्नो फ्लेक्स वॉर जेंटली फॉलिंग. वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल. द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट. टुडे वी वर क्लाइंबिंग to higher to 2,700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. It was difficult because we kept slipping. By afternoon we had reached
snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs in each other and making big snowman. तो next morning जब वो उठे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इसमें कि वो कहाँ थे, बर्फ़ वाली जगह पे थे, तभी उन्होंने plastic tents लगाए थे. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठे तो वहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी. बर्फ़ मतलब इट इज़ जस्ट लाइक फेदर्स. अगर आपने कभी देखी हो ओरिजिनल में, बर्फ़ तो एक रेशे की तरह होती है, रुई की तरह होती है, सॉफ्ट होती है. वो उनके ऊपर गिर रही थी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल लुक. आप पहाड़ पे हो, हर चीज़ वाइट वाइट हो रखी हो, तो सीनिक ब्यूटी, उसको देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ही सुंदर, काम, शांत हो जाता है, राइट. वो सभी खुश थे और धीरे धीरे वो चढ़ाई चढ़ने लगे विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. एंड फाइनली वो आफ्टरनून में ऊपर पहुंचे और इस सब में उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज वो लोग क्या कर रहे थे, स्नोमैन बना रहे थे, एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल्स फेंक रहे थे. लास्ट डे ऑफ एट अ कैंप. वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर. ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम. वी वर इन्जॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग अराउंड द कैंप. सून इट वॉज मिड नाइट. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी. आई थॉट ओह नो, वॉट हैव आई डन दिस टाइम. बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम For the best performance award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. तो लास्ट डे तो कैंप होता है बेटा, कहीं पे हम भी इंजॉय करते हैं. एक लास्ट डे में क्या होता है, हम मज़े करते हैं. कैंप मीन्स कि आग जला रखी है सबके सब, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी अच्छी अच्छी बातें जो भी उनके दिल में आ रहा है इंजॉय कर रहे हैं. डांस, सिंगिंग, सब वहाँ प्रोग्राम्स हो रहे थे. और उसी बीच में क्या हुआ कि उनके ब्रिगेडियर जो हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, और अनाउंसमेंट में नाम किसका आ गया, संगीता का. एंड शी वॉज अफ्रेड कि अब मैंने क्या गलती कर दी और किस बात के लिए मुझे बोला जा रहा है. बट टू हर सरप्राइज वाई हर नेम वॉज अनाउंस्ड वॉज कि उसको अवार्ड दिया जा रहा था फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस ट्रैकिंग इवेंट. माउंटेनियरिंग का जो कैंप था उसके लिए उसको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जा रहा था. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा, डिस्कस व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड अ टेंट. तो आपसे बोला जा रहा है कि आप सोचिए कि एक टेंट के अराउंड जो है ये ड्रेन क्यों डग की गई होगी. ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया बेटा, ड्रेन जो है वो इसलिए की जाती है ताकि उसके अराउंड इंसेक्ट्स, स्नेक्स, ये सब चीज़ें ना आ सकें. ठीक है, तो अगर हमें इसे एक लाइन कुछ वर्ड्स में लिखना हो, इट इज़ डग टू कीप द इंसेक्ट्स, स्नेक्स, ठीक है, एक्सेट्रा, जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह जो वहाँ पे हो सकते हैं, एक्सेट्रा, अवे फ्रॉम दैट प्लेसेस. ठीक है, अवे, बस हम इतना ही लिखेंगे. आप भी चाहें तो इसको अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं. ठीक है, टू कीप अवे द स्नेक, इंसेक्ट्स फ्रॉम सच प्लेसेस. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज, बिसाइड माउंटेनियरिंग व्हाट अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस एंड व्हाई. कि माउंटेनियरिंग, ये इसके बारे में तो आपने देख लिया, इसके अलावा आप किन एक्टिविटीज़ को कह सकते हैं कि वो भी एडवेंचरस होती हैं और माउंटेनियरिंग की तरह हम उसको भी मानते हैं. तो क्या होता है बेटा, अगर आपने देखा हो, दैट इज़ टीवी में देखा है कहीं, एक होती है स्काई डाइविंग. ठीक है, स्काई डाइविंग, देन ग्लाइडिंग, पैराशूट से जो ग्लाइड करते हैं, दैट इज़ ग्लाइडिंग. ठीक है, ग्लाइडिंग. ग्लाइडिंग के बाद जो आप पिक्चर्स में देखते हैं, हम हॉट एयर बैलून्स में जो जाते हैं, हॉट एयर बैलून जो होता है उसमें जब पीपल ट्रैवल करते हैं, और रिवर राफ्टिंग वगैरह जब आप देखते हो. ठीक है, रिवर राफ्टिंग अगर आपने देखा हो, पानी में जो आप बड़े बड़े बोट्स में बैठ करके जो पानी में बहुत तेज़ पानी का बहाव होता है उसमें जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिवर राफ्टिंग. ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी जो हैं एक तरीके से एडवेंचरस मानी जाती हैं. ठीक है, तो कहते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं रिवर राफ्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं दीज आर कॉल्ड एडवेंचरस, जैसे कि हमारी माउंटेनियरिंग होती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इमेजिन एंड राइट. यू आर ऑन अ माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर, व्हाट कैन यू सी, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर. सो इट कुड बी योर एक्सपीरियंस कि आप एग्जामिन आप सोचो. ठीक है, जस्ट ड्रीम ऑफ इट दैट कि आप किसी माउंटेन पे और आपकी क्या फीलिंग रहेगी. तो हम कह सकते हैं दैट कि आई विल बी वेरी एक्साइटेड. ठीक है, सारे पहाड़ के ऊपर मैं देखूंगा तो सब जगह मुझे ग्रीनरी, और या फिर अगर वो स्नो एयर है तो फिर सब जगह मुझे स्नो ही दिख रही है, वाइट एवरीवेयर. सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू लुक अराउंड आवर सच अ प्लेस. तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपका, आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं.
नेक्स्ट हैबिट नेक्स्ट इज दिस अलोन ऑन द माउंटेन टॉप. A 12-year-old girl living in the mountain was out on a school picnic. She climbed a mountain peak 4,000 meters with her friend. The girl had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They were alone without any food. It was a long night. This happened to Bachendri Pal played when she was a young girl. So alone on a mountain, ये एक स्टोरी आपको बताई गई है कि कोई 12 ईयर की लड़की थी जो अपनी स्कूल पिकनिक में गई और फिर वो किसी माउंटेन की पीक पे चढ़ गई विद हर फ्रेंड्स और वहाँ पे चढ़ गई, अंधेरा हो गया और फिर देन दे वर अलोन एंड दे हैड नथिंग टू ईट. उनके पास कोई फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, वो सारे कैंपिंग के हिसाब से तो गए नहीं थे कि उनके पास सब कुछ होता. और ये सब किसके साथ हुआ था? दिस वॉज अ रियल स्टोरी ऑफ बचेंद्री पाल हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द माउंट एवरेस्ट फ्रॉम इंडिया. बचेंद्री ग्रू अप इन नकौरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड. व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी. हर गाइड वर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग. शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्स एंड इन 1984 बचेंद्री वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेम्बर ऑफ टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. तो बचेंद्री की इसने बचपन में 12 ईयर्स की थी तभी उसने अपनी एम और अपनी ड्रीम्स तो देख ली थी कि मुझे वहाँ पे जाना है. ठीक है, देन जब वो धीरे धीरे ग्रो अप हुई तो वो वहीं की उत्तराखंड की रहने वाली थी और वहीं पे उसने क्या ज्वाइन कर लिया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो था जिसके बारे में अभी हमें संगीता अपनी स्टोरी सुना रही थी. उत्तरकाशी में उसने ज्वाइन किया था और तब उसके भी गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. और वो बहुत अच्छी ट्रेनर रही कि उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसने दूसरी वुमेंस को भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी. एंड देन शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द टीम टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. नेक्स्ट इज स्नो स्ट्रॉन्ग. देयर वर 7 वुमेन इन 18 मेंबर्स टीम. ऑन द नाइट ऑफ 15th मे द टीम वॉज वेरी टायर्ड एंड हैविंग रीच द हाइट ऑफ 7300 मीटर्स द टीम पुट अप देयर tents and went to sleep. Around the midnight they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake the tent flew off and something very heavy hit them. There were a terrible snowstorm. Bachendri was almost buried under the snow and was hurt on the head. Many of the team members were also injured. The other used snow picks and access to dig out those who had been buried under the snow. तो उस जब उस कैंप के लिए सेलेक्ट हुई थी देन वट हैपन्ड, देर वर टोटल ऑफ 18 मेम्बर्स एंड 18 मेम्बर्स में से 7 गर्ल्स थी और उन 7 में से एक बचेंद्री पाल भी थी. तो जब रात हुई तो वो सभी सो गए और मिड नाइट में क्या हुआ, उनको बहुत ज़ोर की बैंक की आवाज़ आई और दैट वॉज जस्ट इट वॉज अ स्नो स्टॉर्म की एकदम से कोई बर्फ़ का पहाड़ टूटा और उनके ऊपर गिरा और उसकी वजह से बहुत से उनके इंसिडेंट्स हुए, एक्सीडेंट्स फेस हुए. बचेंद्री पाल को खुद हेड पे लगी एंड शी वॉज बरिड. बरिड का मतलब उसको गाड़ देना एक तरीके से, बर्फ़ में ढक जाना. ठीक है, एंड नेक्स्ट वॉज उसके बाद क्या किया वहाँ के जो बाकी टीम मेंबर्स थे, उन सभी ने जो बचे थे या जो किसी तरह से अपने आप को बचा पाए, उन्होंने जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो स्ट्रिंग्स थे, जो स्टिक्स थी, स्नो पिक्स थी, एक्सेस थी, उन सब से यूज़ करके उन्होंने डिग करने की कोशिश की कि स्नो को हटाएं और जो हमारे लोग उसके अंदर दब गए उनको निकालें. The next is the rest of the team members returned to the base camp but Bachendri went ahead climbing slowly but steadily towards the peak. It was 7 minutes after 1 o'clock in the afternoon 23rd May when Bachendri Pal stepped on the peak of 8900 meters high mountain Everest also called Sagarmath in the Nepal. तो ये सारा जब स्ट्रॉम हुआ तो ऑब्वियसली बेटा कोई नॉर्मल होगा तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, उस वजह से वो सारे के सारे अपने बेस कैंप पे चले गए, मतलब नीचे चले गए. लेकिन बचेंद्री पाल वॉज द वन जो उसने अपनी आप को पीछे ना करके आगे चली गई और फिर क्या टाइम बताया इन्होंने, दैट इज 7 मिनट्स पास्ट 1 o'clock, दोपहर के जो 1:07 से तब बचेंद्री पाल जो है सबसे माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक दैट इज 8900 मीटर्स पे पहुंच गई एंड दैट पीक इज आल्सो कॉल्ड सागरमठ इन नेपाल. ठीक है, तो ये एक जीके का क्वेश्चन भी है बेटा कि किस क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड सागरमठ इन नेपाल. नेक्स्ट इज There was another team member with her. There was no space for two people to stand on the top of the same time. One slip and they would fall straight down thousands of feet below. Bachendri and her teammate dug into snow and pitched their axe firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope.
Only then two of them could stand there. She was shivering with cold, but filled with the warmth of achievement. She bowed her head, pitched the national flag, and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. Bachendri Pal became the first Indian woman and the fifth woman in the world to reach the Mount Everest. So जब वो ऊपर पहुँचे तो she and one of her teammate, मतलब वो दो लड़कियाँ जो थी वो ऊपर पहुँची थी उस पीक पर. और वो पीक माउंट एवरेस्ट की पीक है, तो ऑब्वियसली पीक पर इतनी ही जगह थी कि एक जना खड़ा हो सकता था. तो विद द हेल्प ऑफ स्नो उन्होंने उस पर डग किया, एक्स वगैरह लगाई सब जगह से ताकि वो उसका एक स्टैंड बना पाए, उससे रस्सी बांधी ताकि वो उसके ऊपर लटक सके, ताकि एक ही टाइम पर दोनों वहाँ खड़ी हो सकें. और वो दोनों को ठंड लग रही थी, देवर शिवरिंग शिवरिंग मतलब ठंड लग रही थी, बिकॉज अ माउंटेन की हाइस्ट पीक पर है, ऑब्वियसली ठंड लगेगी. बट देर वॉज वॉम्थ इन साइड. वॉम्थ ऑफ वॉट? वॉम्थ ऑफ हैप्पीनेस, वॉम्थ ऑफ अचीवमेंट दैट दे हैव रीच द हाइस्ट पीक. एंड बचेंद्री पाल वॉज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन एंड वॉज फिफ्थ अमंग द वर्ल्ड. ठीक है, अगर वर्ल्ड में काउंट करें शी वॉज द फिफ्थ, एंड इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी जो उसने हाइस्ट पीक पर अपना फ्लैग लगाया. एंड शी रीच देयर एंड शी स्पेंड देयर अबाउट 45 minutes. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हर ट्रिप. नाउ वट ऑल वी हैव लर्न टिल नाउ वी विल डिस्कस हियर, दैट इज़ व्हाई डिड बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक. क्यों लगाया होगा बेटा? इट इज़ बचेंद्री पाल ने एक तरीके से अपने झंडे को एक सम्मान देने के लिए, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर क्यों करते हैं, टू गिव ऑनर टू दैट थिंग, टू गिव ऑनर टू आर फ्लैग, ऑनर टू द नेशनल फ्लैग. उसने उसको वहाँ पे लगाया था. क्यों लगाया था? बट टू गिव ऑनर टू द फ्लैग. हम सिर्फ एक लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं. नेक्स्ट इज, वेन हैव यू सीन आर नेशनल फ्लैग बींग होस्टेड, कलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ आर नेशनल फ्लैग. तो आपने कब देखा बेटा? देखो दो जगह तो आप ऑब्वियसली देखते हो, दैट इज़ रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, वहाँ पे हमारा फ्लैग लगता ही लगता है. आप टीवी पे देख लो, कोई भी चैनल लगा लो, कहीं पे भी आप जगह पर हो तो उस टाइम पे नेशनल फ्लैग हमारा होस्ट किया जाता है, उसको लहराया जाता है. इसके अलावा आपने कहाँ देखा है बेटा? हम अगर आप स्कूल में आते हैं तो एवरी डे आप देखते हैं हमारा नेशनल फ्लैग को लगाया जाता है. ठीक है, और कोई भी नेशनल मूवमेंट है, कोई प्राइड की मूवमेंट है, जहाँ पर हमें लगता है कि हमने कोई गर्व वाला काम किया है, तो वहाँ पे हम अपने फ्लैग को लगाते हैं. जैसे जो हमारे आर्मी पर्सन्स होते हैं, उनकी कहीं पे भी कोई जीत होती है तो वो वहाँ पे अपना झंडा गाड़ते हैं, राइट? कई बार आप उनको देखा होगा, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जब उनकी डेड बॉडीज़ भी आती हैं तो उसके ऊपर भी हमारा फ्लैग लगाया जाता है, जस्ट टू गिव देम रिस्पेक्ट, टू गिव द ऑनर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, टू गिव ऑनर टू द फ्लैग. मेन ग्रुप ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर ग्रुप, एक्सप्लेन वाई यू चूज दैट डिज़ाइन. ठीक है, तो दिस कुड बी एन एक्टिविटी कि हम करते हैं इसको, बट फिलहाल आपको करने की जरूरत नहीं. आप इसमें अपने नाम से कोई भी किसी भी तरह का एक फ्लैग लगा सकते हैं. ठीक है, और उसमें आप देखना, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टीवी में देखो तो अलग अलग तरह के कहीं पे सन बना होता है, उनके अलग से उनके फ्लैग्स होते हैं. तो एवरी फ्लैग दैट हैव इट्स ऑन आइडेंटिफिकेशन, वो अपनी अचीवमेंट बताता है, उनके फ्लैग का नाम उसके बारे में शो करता है. ठीक है, जैसे हमारे हर हाउस फ्लैग का अलग कलर है, उसके ऊपर हम शिवाजी की फ़ोटो लगा दें या फिर अशोका जी की फ़ोटो लगाएं या अशोक चक्र लगा दें, तो दैट फ्लैग की जो इम्पोर्टेंस है या जो उसकी पहचान है वो और भी सामने आने शुरू जाती है, वो और भी रूबरू बाहर देखने के लिए अच्छा लगने लग जाता है. ठीक है, और ये सब क्यों होता है? जब हम उस फ्लैग को लेकर चलेंगे, दैट इज़ वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग, वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू आर नेशन, वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू आर स्कूल, और जहाँ के लिए भी हमने वो फ्लैग बनाया है उसके लिए हम उसकी रिस्पेक्ट में उस चीज़ को लहराते हैं. Have you seen a flag of any other country? Where? क्या आपने किसी और कंट्री का फ्लैग देखा है कहाँ? ठीक है, तो ये आप किसी के लिए भी देख सकते हो बेटा, कि जब हमारे जो भी मैचेस होते हैं, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है किसी भी, तो वहाँ पे हम डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स देख पाते हैं. ठीक है, मैच हो गया, कोई गेम्स, किसी भी तरह के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे वे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने अपने झंडे लगाती हैं टू रिप्रेजेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज, जैसे आपने अपना स्पोर्ट्स डे भी अगर कभी देखा हो तो स्पोर्ट्स डे में भी हर स्कूल अपना फ्लैग लेकर आता है. हमारे केंद्रीय विद्यालय का अपना फ्लैग है, हर एक स्कूल जो है अपने फ्लैग के साथ आता है. जो उनका एक पर्सन होता है जो सबसे आगे अपना फ्लैग लेकर खड़ा होता है, वो बताता है कि हाँ मैं इस स्कूल से हूँ और ये उसका झंडा लेकर के वो खड़ा है. तो हमने हर जगह को इस तरह से फ्लैग अलग अलग जगह देखे होते ना.
What we have learned. Explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain. How you prepare if you were climb a mountain. What would you take with you? Write in your own words. तो ये सारे आपके चैप्टर के सारी चीज़ें पूछ रहा है बेटा कि क्या एडवेंचर रहेगा किसी माउंटेन में क्लाइंब करने के लिए. आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करोगे माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए और अपने साथ आप क्या क्या चीज़ें लेकर जाओगे टू क्लाइंब अ माउंटेन बेटा. तो सबसे पहले तो हम इसको कर सकते हैं कि माउंटेन्स आर फुल ऑफ डेंजरस रिवर्स डीप वैलीज. इस सब में ये सब कुछ होता है ठीक है. एंड इट इज़ नॉट हमारा एक्सपीरियंस क्या रहेगा कि इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू क्लाइंब द स्टीप स्लोप. जो इतनी बिल्कुल खड़ा पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं रहता है. बट इफ़ स्टिल वी हैव टू क्लाइंब एंड वी आर गोइंग टू सच एन एडवेंचरस क्लब व्हाट ऑल थिंग्स वी विल टेक. वही चीज़ें लेके जाएंगे जो ये लेकर गए थे क्या. वी विल टेक वाटर बॉटल फूड पैकेट्स शूज़ जो हंटर शूज़ होते हैं ठीक है. उनके जैसे जो शूज़ होते हैं उनके नीचे कीलें लगी होती हैं ताकि वो बर्फ़ में जब पाँव रखें तो वो स्लिप ना करें. फिर होक्स ग्लूकोज जैगरीज चना ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी वही सब चीज़ें हम लेकर जाएंगे इफ़ वी गो टू सच अ कैंप. क्लियर एवरीवन. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड